नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मराठी भाषा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, जैन समाज ने देश को दिशा दिखाने का कार्य किया। मनोज जरांगे से मिले अजित पवार के पुत्र, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मराठी भाषा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा घोषित करने की मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की है। मराठी की 2200 वर्षों के समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संबंधित मांग पिछले 10 वर्ष से केंद्र सरकार के पास लंबित है। उन्होंने यह रेखांकित किया कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर रंगनाथ पठारे की अध्यक्षता में मराठी भाषा विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण ने तत्कालीन संस्कृति मंत्री श्रीपाद नाइक को पत्र लिखकर जुलाई 2014 में मांग को पूरा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि 10 साल बाद मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर शून्य प्रगति की है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार ने तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया। रमेश ने कहा कि मराठी में 2200 वर्षों की समृद्ध साहित्यिक परंपरा है और मराठी में सबसे पहला शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। आई बढ़ते अगली खबर। जैन समाज ने देश को दिशा दिखाने का कार्य किया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का 2 चरणों में मतदान होने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार दूसरे राज्यों में भाजपा के पक्ष में चुनावी दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को पूर्वी दिल्ली के ओसवाल भवन में आचार्य महाप्रज्ञ के 15वें महाप्रयाण दिवस पर आयोजित सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैन समाज ने देश को दिशा दिखाने का सराहनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैन समाज व साधु संतों के साथ गहरा रिश्ता रहा है। मोदी जी के लिए जैन समाज उनके परिवार जैसा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आने वाले दिनों में जैन समाज के संत प्रदेश के लिए स्टेट गेस्ट होंगे। उनकी सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। शर्मा ने सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थित जैन समाज के प्रवासी राजस्थानियों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी साधु संतों के आशीर्वाद से देश सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है, इसके लिए समाज को एकजुट होकर कार्य करना होगा। साधु संतों की वाणी और आशीर्वाद से देश निरंतर मजबूत बन रहा है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। मनोज जरांगे से मिले अजित पवार के पुत्र। मुख्यमंत्री अजित पवार और बारामती सीट से महायुति की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार के पुत्र जय पवार ने रविवार सुबह मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल से अंतरवाली सराटी जाकर मुलाकात की। बारामती में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को वोट पड़ने हैं, इससे एन पहले यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य में मराठा आंदोलन के नए नेता के रूप में उभरे जरांगे पाटिल फिलहाल बड़ी ताकत है, जिनकी कुनबी और मराठा समुदायों के बीच खासी ताकत मानी जाती है। जरांगे ने फिलहाल चुनाव में किसी का समर्थन नहीं दिया है, पर उन्होंने आरक्षण का विरोध करने वालों को मत न देने की अपील की। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।